Assalamualaikum, this is me Hamid Zade and welcome to my HR blog. क्या हाल आप सब लोगों का? ठीक हो? नीचे आकर शूट करने का मकसद ऐसा था कि हमने अपनी छोटी बहना को कर लिया था नाराज। वो कब से कह रही थी मैंने खाने गोलगप्पे, मैंने खाने गोलगप्पे, लेकिन आपके भाई ने उसे मना कर दिया। चल झूठा, मैंने कभी नहीं खाने, अगले हफ्ते खाएंगे जब तुम प्रॉपर ठीक हो जाओगी, क्योंकि उसका पिछले वीक से ना गला खराब था। तो मैंने कहा अभी नहीं खाने हमने गोलगप्पे, तो नेक्स्ट वीक खाएंगे। तो वो हो गया, मूड ऑफ कर लिया उसने। तो सुनती ना हो इधर उधर से। बाकी अभी मामा ने भेजा था मुझे कोई कबाब मसाला वगैरह लेने शॉप से, तो मैं लेने जा रहा हूँ गोलगप्पे भी। सरप्राइज है उसको, ऐसे बता कर नहीं जाना, जब लेकर आऊँगा तब देखेगी, खुश हो जाएगी। तो इस बाजारों पर हम जाएंगे गोलगप्पे लेने, तो चलते आकर आपको बता दिया। Few minutes later. भाई जी, सुमान भाई आपका ले आया था, गोलगप्पे भी ले आया था। अब हम गए जाते हैं एंट्रेस होते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो दरवाज़ा खोलते हैं अपने प्यार से, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं कि उसको पता पता ना चले कि हमीद भाई आ गया। ये मैं सामान ले आया हूँ, चेक कर लो पूरा है कि नहीं पूरा। ये लो, ये गोलगप्पे लेकर आया, किसने खाने हैं? आपने तो अगले हफ्ते खा दे है। ये पहले सारे फिल करने हैं, ठीक है ना? पहले सारे फिल, फिर हम एक कोई चैलेंज करेंगे, फिर खाएंगे। ऐसे तो तुम सारी खा लोगी। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ। गाइस मैंने आपको पता, मैंने ब्लॉग भी नीचे से स्टार्ट किया था, नीचे बाइक के पास खड़े होकर। हाँ, मैंने कहा बहन ना नाराज हो गया है तो उसको ना सरप्राइज दूंगा। तो अब ये इतनी खुशी से पागल हो गया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत पागल पागल सी हो गई है। तो ये सारे तो नहीं खा रहे, सिर्फ दो के सामने कहा था सिर्फ दो ले आना मेरे लिए। तो दो क्यों ले के? तो ये तो मैं अपने खुद भी खाने हैं ना सर्दी में गोलगप्पे। आप यार, आप माजी इतनी इज्जत, आप कसम से कभी जिसको इज्जत आना मिली है जो कभी कह देना आप, ओए होए मैं आपको बता नहीं सकता आप। अभी खट्टा पिया नहीं तो पहले गले में किस किस ने खाया? हम दोनों ने, मम्मा ने, पापा ने, मामा तो खाएंगे। भाई चल जी, तू बाहर बाहर ना निकले, कोई घर से बाहर ना निकले, सब घर मेरे बाहर, ठीक है? और मैं अब आपको बना कर ही मिलता हूँ। और अब रेडी हो गए थे तो अब हमने कहा चलो साथ एक चैलेंज भी कर लेते हैं। तो अब हम बोतल को कर देंगे, अगर जिसका हो गया वो खाता जाएगा एक एक पीस, ठीक है? चलो स्टार्ट। हाँ हाँ मैं करता हूँ, एक ही खा रहा बस एक ही। अब मेरी बारी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं मेरी पर वो गलती से ही हो गया था मुझे लगता है आपसे। हाँ सारी रात तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे फिर। वो फिर से यार मुझे लगता है ऐसे ही मुझे खाना पड़ेगा। कैसे कर लेते हैं यार? ए, ए, मेरे से क्यों नहीं हो रहा? पहली फुर्सत में निकल यार। ओहो ए, इस तरह ओहो मुझे लगता है फिर से आपने कर लेना है। मैं नहीं करना, नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं, ओ ये हो गया, ये देना हो जाना ये। ओ यार प्यार से प्यार से ऐसे ही होना।
रहने दो यार, मैं खाता हूँ पहले। नहीं अभी चैलेंज पूरा कराना, आई एम विनर। जो है अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। अब पूरे दो महीने आपने नाम नहीं लेना कि जे खिलाओ या जे खिलाओ, खिलाने बोला जा नहीं रहा। पहले ये तो खत्म कर दे मुंह में से जो मुंह में डाला हुआ है तेरे, है बोला जा नहीं रहा लगी हुई है। हाँ बोल, अब क्या कह रही थी? अगले वीक गाड़ी नहीं होना, मैंने मड़ी इस्लामाबाद चल जाना, मैंने गाड़ी छोड़ देना, मैं नहीं खिलाना, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। A few moments later, ओ गोलगप्पे खा पी कर हो गए थे हम फ्री, तो अब हमने सोचा कि अब हम अनबॉक्सिंग की जाए। जो सा दराज की तरफ से आया था, हमें दराज की तरफ से आया नहीं था बल्कि हमने ऑर्डर किया था, तो वो पार्सल आया। ये ना सोचे कि दराज की तरफ से हमें गिफ्ट आया, हमें गिफ्ट गिफ्ट नहीं आते, हम ऑर्डर करते हैं खुद अपने पैसों से, देकर लेते हैं चीजें। भाई वो पता नहीं कौन लोग हैं जो जिनको गिफ्ट वगैरह टिकटॉक यूट्यूब दराज या किसी भी ब्रांड से आते हैं, हमें नहीं आते, हमने पैसे देने पड़ते हैं, पैसे पैसे लो दो तो चीज लो, ये हिसाब है हमारा। तो वो भी आया हुआ था, तो हमने कहा चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रहा बॉक्स दराज की तरफ से, अब इसकी करनी हमने अनबॉक्सिंग। और ये दराज का आया था जो सा पार्सल, अब उसकी करने लगे हम अनबॉक्सिंग। तो आपको बताता हूँ कि हम हर महीने क्या क्या मंगवाता हूँ मैं दरअसल अपने लिए। टिश्यू पैकेट, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ टिश्यू क्यों मंगवाता हूँ। पैंटीन शैम्पू और थ्रेजमी का कंडीशनर, आपके भाई के बाल देखे, गार्नियर का सेंसिटिव क्या कहते हैं सीरम, हेयर स्प्रे और पॉन्ड्स का फेस वॉश, और ये घर के लिए सरफ एक्सल जिससे हमारे कपड़े धुलते हैं। अब आपको सबकी वजह भी बताता हूँ। स्प्रे, हेयर स्प्रे ज्यादातर यही स्प्रे यूज होती है हर सलून में भी, हर जगह यही स्प्रे ज्यादा यूज होती है बालों के लिए, या कोई फंक्शन वगैरह आ जाइए तब लगाता हूँ मैं, या कभी कभार जब मैं फिर बाल वगैरह वॉश कर लूँ तो बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, मथे पे आती है, माथे पे आती है, तो जिसकी वजह से फिर मैं बना लेता हूँ तो फिर बाल बन जाते हैं, ठीक है ना। कंडीशनर और पैंटीन शैम्पू, आप सोचते होंगे कि पैंटीन का ही थ्रेजमी का क्यों नहीं यूज़ करता शैम्पू, तो मैं बताऊँ थ्रेजमी का ही शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ, वो अभी नहीं आया, अगले पार्सल में आएगा। और पैंटीन शैम्पू ये भी यूज़ करता हूँ, छोटे बाल जब हो तब पैंटीन, बड़े हो जाए तो थ्रेजमी, क्योंकि छोटे बाल होते हैं पैंटीन बड़े कर देते बाल, थ्रेजमी फिर टूटने नहीं देता, ये वजह है। पॉन्ड्स का फेस वॉश, पॉन्ड्स का फेस वॉश सबसे बेस्ट है, मैंने बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन ये जो वाइट ब्यूटी ये देता है वो कोई भी नहीं देता। और फिर मुझे किसी सैलून वाले ने कहा था, जब भी आप फेस वॉश करते हो, फेस वॉश करते हो मतलब मुंह धोते हो आप, तो आप टॉवल वगैरह से ना साफ किया करो फेस अपना। तो जब से उसने कहा तब से मैं स्पेशल अपने लिए टिश्यू मंगवाता हूँ, तो फेस वॉश का ही फिर मैं टिश्यू से ही धोता साफ करता हूँ अपना फेस। और ये मेरे घर वाले बहुत ही तंग है इस बात से, वो कहते हैं कि तू क्या मिनट बाद टिश्यू इधर इधर कभी इधर फेंक देता, कभी इधर फेंक देता, कभी इधर फेंक देता। और फिर उसके बाद लगाता हूँ सीरम, सीरम लगाता हूँ तो भाई जी आपका भाई का फेस हो जाता है ग्लो कर जाता है, आपका भाई का फेस तो ग्लो ग्लो हो जाता है। तो लड़कियां इधर से उधर से देखती रहती है आपके भाई का कि इतना ग्लो कैसे हो रहा है, तो आज मैंने ब्लॉग में बता दिया, वो भी सुनती होंगी लड़कियां भी, बाकी आपका भाई नहीं किसी को देखता। और ये सरफ एक्सल, इससे होती है कपड़ों की धुलाई। ओके थैंक यू दराज, अभी कुछ सामान भेजा कुछ नहीं भेजा, तो ये देखे ये आपके भाई के बस मंथली का, ये चीजें तो अपने काम की, ये तो अपने काम की नहीं, ये अपने काम की। एक और अभी थ्रेजमी का शैम्पू आ जाएगा बस,
और कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो मैंने कहा चले घर बैठे कोई अनबॉक्सिंग कर ली जाए, कुछ कर ली जाए, कुछ कर ली जाए। तो ये आपको दिखा दूँ, ये एयरबड्स भी मंगवाए थे पिछले दिनों में, है तो वैसे कोई नाम तो ब्रांड का लिखा नहीं हुआ, बाकी इसकी आवाज़ कमाल आवाज़, कोई नॉइस कैंसिलेशन कुछ भी नहीं, बहुत ही लेवल की है यार ये एयरबड्स। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाना, क्योंकि अब 2024 हो गया स्टार्ट, अब आपके भाई के आएंगे व्लॉग रोजाना। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।